तो भौतिक विज्ञान रो फिजिक्स पार्ट आरंभ करिबा। प्रथम अध्याय रो नाम हेउची आलोक प्रतिफलन व प्रतिसरण, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो भौतिक विज्ञान रो चैप्टर नंबर 6 हेउची आलोक प्रतिफलन व प्रतिसरण, किंतु फिजिक्स रो प्रथम अध्याय माने एहा पूर्वरु आमे जहाँ भी सब विषय पढ़ीचु से सबू थिला केमिस्ट्री रो टॉपिक बा रासायनिक विज्ञान रो टॉपिक, माने रासायनिक प्रतिक्रिया व रासायनिक समीकरण अध्याय पाखरु आरंभ करी मौलिक मानकर पर्याय श्रेणीकरण ये समस्त विषय थिला तुमर केमिस्ट्री बा रासायनिक विज्ञान रो टॉपिक। वर्तमान आरंभ हम फिजिक्स बा पदार्थ विज्ञान बुझीला, जहार प्रथम टॉपिक रो नाम हेउची आलोक प्रतिफलन व प्रतिसरण, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत इंपोर्टेंट विषय एवं बहुत इंटरेस्टिंग विषय मध्य मजा आसीबो। आलोक विषय रे जानिबा, आलोकर विभिन्न गुण आ धर्म मानक विषय रे आलोचना करिबा। आलोक तो बहुत प्रकार रो गुण बा धर्म प्रदर्शन करिथाय, से मानक मध्यरु अन्यतम हेउची प्रतिफलन आ प्रतिसरण। आहुरी भी गुण अछि जेमति कि डिफ्रैक्शन अछि, पोलराइजेशन अछि, से मानक विषय रे आमे क्लास 12 रे आलोचना करिबा। वर्तमान क्लास 10 पई आमे प्रतिफलन विषय रे आ प्रतिसरण विषय रे गुरुत्वारोप करिबा, बुझियला ना। प्रतिफलन आ प्रतिसरण हेउचंती आलोकर गोटे गोटे गुण, विशिष्ट गुण बुझियला, इंपोर्टेंट गुण। सेति पई प्रथमे आमे आलोक विषय रे जानि नबा, आलोक प्रदर्शन करूथिबा विभिन्न गुण बा धर्म मानक विषय रे मध्ये जानि नबा। तो हेडिंग लगाओ आलोक बा लाइट। आलोक को इंग्लिश रे कोन कहा जिवो, लाइट बोली कहा जिवो। तो लाइट कहा को कहा जाय बा आलोक कहा को कहा जाय, डेफिनेशन कहि परिबा। आलोकर आलोक तुम्हें देखि पारछो, बिना आलोक रे देखि परिबो कि देखि परिबो ना। तो देखो जदि तुम्हें कोनसी भी वस्तु को देखिबा पई चाहुचो ताहले दुईटी जिंस दरकार, कोन कोन आलोक दरकार एवं आखी दरकार। आलोक आ चक्षु ए दुईटी दरकार तुमको, आलोक दरकार एवं चक्षु दरकार बा आखी दरकार। जदि तुम पाखरे आलोक अछि किंतु चक्षु नाही ताहले तुम्हें कोनसी वस्तु को देखि परिबो कि देखि परिबनि, बिना आखिरे केमिति देखिबो। कोनसी वस्तु उपरे आलोक रश्मि पड़ी कि प्रतिफलित आलोक रश्मि जदि तुम आखि उपरे पड़ुछि ताहले तुम्हें से वस्तु को देखि पारो, किंतु जदि तुम पाखरे आखि ही नाही ताहले तुम्हें वस्तु को केमिति देखि परिबो, बुझियला ना। बिना आखिरे आमे कोनसी वस्तु को देखि परिबा नाही, सेइ भलिया जदि आखि तो अछि बा चक्षु अछि किंतु आलोक नाही, लाइट नाही, तो जदि लाइट नाही ताले अंधकार हो जाए, डार्कनेस बुझेला। डार्कनेस कहा को कहा जाए, एब्सेंस ऑफ लाइट माने आलोकर अनुपस्थिति को अंधकार बोली कहा जाए। आलोकर अनुपस्थिति रे तुम्हें कौन सी वस्तु को देखि पारिबो कि, भाव तुम्हें तो लाइट रे छिड़ा हो किंतु गोटे अंधारिया घर भितरे गोटे वस्तु अच्छी गोटे टेबुल अच्छी, से टेबुल को तुम्हें देखि पारिबो कि देखि पारिबनि, काहेकि ना ता उपरे आलोक पड़ुनि, अंधकार रे अच्छी, अंधकार रे थिबा वस्तु को तुम्हें देखि पारिबो नाही, बुझियाला। सेतिपई कोनसी वस्तु को जदि तुम्हें देखिया पई चाहुचो ताहले दुईटी जिंस दरकार, कोन कोन आलोक दरकार एवं चक्षु दरकार। एही अध्याय रे माने फिजिक्स रो प्रथम अध्याय रे आमे आलोक विषय रे जानिबा, आ द्वितीय अध्याय रे आमे चक्षु विषय रे जानिबा। एहार परवर्ती अध्याय अछि चैप्टर नंबर 7 मानव चक्षु आ वर्ण जगत, सेठी आमे पढ़िबा चक्षु विषय रे। एही अध्याय रे आमे आलोक विषय रे जानिबा। तो आलोक कहा को कहा जिवो, आलोक रो डेफिनेशन के देई परिबो, आलोक हेउछि गोटे प्रकार रो शक्ति एनर्जी, बुझियला। आलोक शक्ति रो गोटे रूप जहाँ कि आमको देखिबारे सहाय्य करे, बुझियला। लेख आलोक बा लाइट शक्ति रो एक रूप जहाँ आमको देखिबारे सहाय्य करे, जहाँ आमको देखिबा पाई सहाय्य करे, बुझीला। बिना आलोक रे आमे देखि परिबा नाही। वर्तमान आमे आलोक रो किछि गुण बा धर्म विषय रे आलोचना करिबा। लेखो एठी आलोक रो गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, आलोक रो धर्म इंग्लिश रे कहिबा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रथम धर्म हेउची आलोक हेउची एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बा विद्युत चुंबकीय तरंग, बुझीला। आलोक एक विद्युत चुंबकीय तरंग,
आलोक ट्रावेल करने माध्यम आवश्यक करे ना आलोक गति करने कौन से माध्यम आवश्यकता ना अच्छी कि सूर्य पाखर पृथ्वी को आलोक पड़ू कि पड़ूनी पड़ू तो कौन से माध्यम अच्छी कि भैक्यूम पलैसी शून्य पलैसी आलोक बुझीगलाना यार अर्थ नुहे आलोक मध्यम गति करना आलोक गति करने कौन माध्यम आवश्यकता ना कि आलोक मध्यम भी गति करें वायु आलोक गति कर जल आलोक गति कर बुझीगलाना एमती बहुत गुड़ा मध्यम अच्छी जो थे कि आलोक गति कर तुम्हें देखु काच भितर आलोक चल जा बुझीगलाना तो मध्यम आलोक गति कर किंतु आलोक गति करने मध्यम आवश्यक करे ना लेख एठी आलोक गति करिबा पाई माध्यम आवश्यक करे नाही यार अर्थ कौन आलोक शून्य मध्य गति करिपरिबो आलोक शून्य गति करी पारे आलोक एक सरल रेखा रे गति करे इट ट्रावेल्स इन ए स्ट्रेट लाइन बुझीला एक सरल रेखा रे गति करे आलोक एक सरल रेखा रे गति करे यहाँ तुम परीक्षा मध्य कर दे पार तुम गोटे सीधा नलफुंका नब आ गोटे बंका नलफुंका नब एमती नलफुंका जान तो चूली जहाँ घरे थी से जान जो मैंने चूली रे देखिबो गोटे नलफुंका थाए ताकु फुंकती एमतीका जदि निभ थी नलफुंकर फुंकती जहाँफल कि निआटा आउ थे जले बुझीगलाना तो तुम गोटे सीधा नलफुंका नब आ गोटे बंका पाइप नब एमती बुझीगला आ गोटे मोहम्मती को जाल अंधार घर भितरे तापर तुम्हें सीधा नलफुंकारे से ही मोहम्मतीर शिखा को देखापी ट्राए कर एवं बंका पाइप भितरे भी तुम्हें से ही अग्निर शिखा को देखापी ट्राए कर कौटी तुमको अग्निर शिखा बा लाइट देखा जीवो सीधा नलफुंकारे बुझीगलाना सीधा नलफुंकारे तुम्हें अग्निर शिखा को देखिपार मोहम्मती जलुची तुम्हें देखिपार किंतु बंका पाइप द्वारा तुम्हें से ही आलोक को देखिपार ना यार अर्थ है आलोक एक सरल रेखा रे गति करे बंके पार ना बुझीगला तो आलोक एक सरल रेखा रे गति करे आलोकर बेग हो सबुठ अधिक आलोकर बेग के किए कहीपर आलोकर बेग वायु बा शून्य आलोकर बेग वायु जी शून्य केते c इज इक्वाल टू 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड c इज इक्वाल टू 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड जदि आम यही बेग को सेंटीमीटर पर सेकेंड रे परिणत करने चेष्टा करिबा तो ये हो 3 × 10⁻¹⁰ मीटर पर सेकेंड बुझीगला ना मीटर को जदि आम सेंटीमीटर रे लिखिबा 10⁻²⁰ हो एक मीटर सामान 100 सेंटीमीटर तो आउ दुईटा शून्य लगे ये 3 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो वर्तमान तुम्हें कह जदि आम यही बेग को किलोमीटर पर सेकेंड रे परिणत करने चेष्टा करवा तेब कौन हम यही बेग को तुम्हें किलोमीटर प्रति सेकेंड रे परिणत करके देखाओ आउ कमेंट बॉक्स रे लेख यही बेग कौन हम किलोमीटर प्रति सेकेंड रे चलो आम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जीवा परवर्ती प्रॉपर्टी होउची आलोक जेते बेले कोनोसी अस्वच्छ वस्तु उपरे पड़े से तार सेडो तैयारी करे सेडो माने होउची छाई इट कैस्ट सेडो बुझीला आलोक कोनोसी अस्वच्छ वस्तु उपरे पड़िले अस्वच्छ वस्तु उपरे पड़िले आलोकर विपरीत दिगरे से ही वस्तुर छाया सृष्टि हुए आलोकर विपरीत दिगरे से ही वस्तुर छाया
सृष्टि हुए। बुझीला जदि कौन अस्वच्छ वस्तु, अस्वच्छ वस्तु माने ट्रांसपेरेंट हो न बुझीला आम मैने अस्वच्छ वस्तु बुझीला आम जी भी मनीष अच्छु पशुपक्षी गाई गोरु जहाँ भी तुम देखिपार समस्ते अस्वच्छ है जहाँ भितर आलोक पास करें कौन सी वस्तु जमीक टेबुल टेबुल अस्वच्छ ये जो मार्कर अच्छी ये कौन अस्वच्छ वस्तु बुझीला या भितर दे कि लाइट पास करें किंतु काच ग्लास जदि आम काच ग्लास विषय कथा तो काच ग्लास हूँ गोटे स्वच्छ वस्तु हो बुझीला कहीं भितर दे कि आलोक पास कर आलोक रश्मि गति कर बुझीला जहाँ भितर दे कि आलोक गति करें कह स्वच्छ वस्तु आ भितर दे कि आलोक गति करें सी अस्वच्छ वस्तु बुझीला आम मैने आम शरीर जो अच्छी ये अस्वच्छ आलोक बुझीला तुम्हें कह गाधी स्वच्छ होगी आलोक स्वच्छ हो पार नहीं के बुझीला सेमती धार्मिक भावना नहीं कि तुम स्वच्छ हो जापार कि आलोक सब बड़े तुम अस्वच्छ ही रोब तुम भितर दे कि लाइट पास करें जिते बड़े तुम भितर दे कि लाइट पास करमें स्वच्छ वस्तु बुझीला ना चलो ठीक अच्छे तो आलोक कौन कै शाडो कैस्ट करे इट कैस्ट शाडो बुझीला तापर देख आलोकर आहुरी गुण बा धर्म विषय आम जाना जमीक विकीर्णन डिफ्राक्शन आलोक जिते बड़े अति क्षुद्र अस्वच्छ वस्तु उपरे पड़े ना आलोक रश्मि से दिग टे बंक जाए बांकी जाए सी यह कहुए डिफ्राक्शन विकीर्णन बुझीला ये हूँ पॉइंट नंबर सिक्स आलोक रश्मि अति क्षुद्र अस्वच्छ वस्तु उपरे पड़िले वस्तु उपरे पड़िले जमती कि धूली कणा यह बांकी जाए आलोकर यही गुण को डिफ्राक्शन विकीर्णन बोली कहा जाए आलोकर यही गुण को विकीर्णन बोली कहा जाए बुझीला देख यो गुण अच्छे विकीर्णन गुण आलोक तरंग नहले विकीर्णन गुण देख पारना जदि आम आलोक को कणिका रूप से ग्रहण करवा तेज विकीर्णन पसिबुल नुहे बुझीला से प्रथम प्रथम आलोक को पार्टिकल बा कणिका बोली भावुले लोक मैंने किंतु धीरे धीरे जितेबाला विकीर्णन देखागला विकीर्णन डिफ्राक्शन कनसेप्ट आविष्कार करागला सेते बड़े आलोक को तरंग हिसाब से ग्रहण करागला कहीं ना आलोक जदि पार्टिकल हो कणिका हो विकीर्णन देख पारना से कहगला आलोक हूँ तरंग तापर विंश शताब्दी में पुणी देखिले आलोक आ वस्तु मध्य जो पारस्परिक संपर्क अच्छी पुणी कणिकार संपर्क प्रदर्शन करुच्ची बुझीला ना बेले बेले आलोक तरंग भाया व्यवहार करुच्ची बेले बेले आलोक कणिका भाया व्यवहार करुच्ची सेतिपाई आलोकर दौत प्रकृति अच्छी बोली कहगला डुआल नेचर इट हेज डुआल नेचर बुझीला आलोकर दौत प्रकृति माने कौन ना आलोक उभय कणिका एवं तरंग भाव में गति करें बुझीला यह आलोकर दौत प्रकृति बोली कहा जाए तो तुम्हें पॉइंट नंबर सेवेन रे लेख जे आलोक उभय कणिका वो तरंग भावरे गति करी पारे एहाकु आलोकर दौत प्रकृति बोली कहा जाए आलोकर दौत प्रकृति बा डुआल नेचर बोली कहा जाए बुझीला तो यही तत्व आम को कौठारू मिलता यही तत्व को आम कह आधुनिक क्वांटम तत्व बुझीला आधुनिक क्वांटम तत्व अनुजाई आलोकर दौत प्रकृति बा डुआल नेचर अच्छी कौटू पाइले कथा ना आधुनिक क्वांटम तत्वर आधुनिक क्वांटम तत्व
बुझेला बा मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। ठीक अच्छे चलो वर्तमान आम जा आलोक जितेबले कौन पृष्ठ उपर पड़े तो कौन हुए से विषय जानवा एटी आम शिखा प्रतिफलन और प्रतिसरण मुझे देवी आलोक विषय तुम जान आलोकर विभिन्न गुण आउ धर्म मानक विषय तुम जान कौन कौन गुण बा धर्म अच्छे आलोकर आलोक एक विद्युत चुंबकीय तरंग आलोक एक विद्युत चुंबकीय तरंग बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आलोक गति करने कौन सी माध्यम आवश्यकता नहीं माध्यम आवश्यक करे नहीं आलोक शून्य गति करे आलोक एक सरल रेखा गति करे सीधा स्ट्रेट लाइन में गति करे आलोकर बेग वायु शून्य 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आलोक कौन सी अस्वच्छ वस्तु उपरे पड़िले आलोकर विपरीत दिगरे सही वस्तुर छाया बा शेड सृष्टि हुए आलोक रश्मि अति क्षुद्र अस्वच्छ वस्तु उपरे पड़िले एहा बांकी जाए आलोक रश्मि बांकी जाए आलोकर एही गुण को आम विकिरणन बा डिफ्रैक्शन बोली कहिबा पुणी आलोकर उभय कणिका और तरंग भाव गति कर गुण रही जहाँ कि आम आलोकर दौत प्रकृति बोली कहिबा बा डुआल नेचर ऑफ लाइट बोली कहिबा बुझीला ये सबू कथा तुम्हें भल भाव बुझीपार चलो मुझे लिभे दूँ जितेबले आलोक रश्मि कौन सी पृष्ठ उपरे पड़े तो सेतेबले कौन हुए दीटा कथा हेपर आईदर आलोक रश्मि से पृष्ठ को पारे कि आरपा को पलैब नहले से पृष्ठ उपरे भिटिकी बाउंस बैक कर बुझीला पुणी प्रत्यावर्तन कर फेरीज लेख जेतेबेले आलोक रश्मि कौन सी पृष्ठ उपरे पड़े जेतेबेले आलोक रश्मि कौन सी पृष्ठ उपरे पड़े देख जदि आलोक रश्मि एमती गोटे शाइनिंग सरफेस उपरे पड़िला बा चिकण पृष्ठ उपरे पड़िला तो आलोक रश्मि कौन हम धर जो यही पृष्ठ पड़िला तो ये भितर को पशिपर ना ये पृष्ठ चिकण पृष्ठ अच्छी से आलोक रश्मि को ता भितर को पशापी दब ना से आलोक रश्मि को कौन कर ना बाउंस बैक करदेव फेरइदेव बुझीला केमती फेरइब देख एमती फेरइदेला आलोक रश्मि को बुझीला यह प्रतिफलन प्रतिफलन बा रिफ्लेक्शन लेख जे आलोक रश्मि कौन सी चिकण पृष्ठ उपरे पड़िले कौन सी चिकण पृष्ठ उपरे पड़िले प्रतिफलित होइथाय एहाकु आलोकर प्रतिफलन बा रिफ्लेक्शन बोली कहा जाए रिफ्लेक्शन केवल तुम आलोकर हुए नी बॉल रो भी हुए जदि मु गोटे बॉल को कांथ को मारे से कौन ताक पारे पलैब गेयर पाक को पुणी फेरी आसब बाउंस बैक कर यह कहो प्रतिफलन से भाया साउंड रो प्रतिफलन होता है इको इको जान तो प्रतिध्वनि केमी सृष्टि हुए जदि गोटे साउंड वेव गला आठ गोटे कांथर भिटिक पुणी फेरी आसला ताकूम कौन कह प्रतिध्वनि बोली कह बुझीला ना ध्वनि प्रतिफलित होता देखा जदि आलोक कौन सी स्वच्छ वस्तु पड़ा है शाइनिंग सरफेस नुहे एटा बा चिकण पृष्ठ नुहे ट्रांसपेरेंट मीडियम ये हमर ट्रांसपेरेंट मीडियम एटी कौन हम ना आलोक रश्मि पड़ा एमती तापर ता भितर को गलिक पलैब किंतु आलोक रश्मिर दिग आउ बेगरे परिवर्तन हबो देख ये आलोक रश्मि सीधा जाता किंतु एठी टिके बांकी जाइछि बुझीला एहा को कहिबा आमे आलोकर प्रतिसरण बा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बुझीला ये उचि प्रतिसरण बा रिफ्रैक्शन लेख जे आलोक कौनसी स्वच्छ पृष्ठ उपरे पड़िले स्वच्छ पृष्ठ उपरे पड़िले
एहा उक्त पृष्ठ को अतिक्रम करी एहार विपरीत पार्श्व को चली जाए एहार विपरीत पार्श्व को गति करे एहा को आमे कौन कहिबा आलोकर प्रतिसरण बोली कहिबा बा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोली कहिबा ए जो आलोक गोटे माध्यम रु आउ गोटे माध्यम को गला बेले तार दिग आउ बेगरे परिवर्तन करूची ताहा को ही आमे कहिबा आलोकर प्रतिसरण बा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बुझेला केवल स्वच्छ पृष्ठ पई एहा संभव पॉलिश्ड सरफेस बा चिकन पृष्ठ पई प्रतिफलन हबो बुझेला एठे देखो ए जो कांथ अछि ए कांथ ऊपर आलोक प्रतिसरण हबो कि प्रतिफलन हबो प्रतिफलन हबो बुझेला प्रतिसरण हेतिले तो आर पाक पळै थांदा बुझेला ना तो आलोक कोन करूची ना ए कांथ ऊपर पडुची तापर बाउंस बैक करिके हमरा आखी ऊपर पडुची बुझेला ना बाउंस बैक माने प्रतिफलित होइकि हमरा आखी ऊपर पडुची जहा पडले कि आमे ए कांथ को देखि पारचू बुझेला ना कथाटा को चलो ठीक अच्छे जितेबले आलोक रश्मि कौन पृष्ठ उपर पड़े दीटा कथा हो पार प्रतिफलन हम नहले प्रतिसरण हम प्रतिफलन केतेबले हुए आ प्रतिसरण केतेबले हुए तुम्हें बुझिपारल या आउ टे भल भाव बुझेवाई मुझको गोटे एग्जाम्पल दे पारि देख आम ग्लास दीटा आनीलु ग्लास अच्छी क्या पाखे नहीं आस गोटे आम पाखे काच ग्लास अच्छी आउ गोटे आम पाखे स्टील ग्लास अच्छी देख ये आमर काच ग्लास है तो ये काच ग्लास भितरे तुम्हें भितर देखिए तुम्हें देखिपारच आलोक ये काच ग्लास को पारे कि पड़ोची बुझीला ना अधिकांश आलोक रश्मि ये काच ग्लास द्वारा अवशोषित हो काच ग्लास भितर को आलोक रश्मि पारे कि पड़ोची बुझीला यह कहा आलोकर प्रतिसरण तो गोटे लेंबू दि मत येबू को देख जदि मुझे काच ग्लास भितर पकेबी तुम्हें येबू को देखिपारच ना देखिपार न देख लेंबू को देखिपारच ना देखिपार न निश्चित भाव देखिपारच केमी देखिपारच ना आलोक रश्मि केवल यही काच ग्लास पृष्ठ उपर पड़ूनी ए लेंबू उपर मध्य पड़ुची माने काच ग्लास को पारे कि आलोक रश्मि ए लेंबू पर्यंत पहुँची जापर पुणी बाउंस बैक हो तुम आखि को जाइए बुझीला ना जहाँफल कि तुम्हें ये लेंबू को देखिपारच लेंबूटा स्वच्छ कि अस्वच्छ लेंबू अस्वच्छ तो लेंबू को तुम्हें देखिपार बुझीला ठीक अच्छे एबे वर्तमान आमे कौन करिबा ना गोटे अस्वच्छ वस्तु आनिबा स्टील ग्लास ए स्टील ग्लास को देख ए स्टील ग्लास रो भितर को तुम्हें देखिपारच कि या भितर कौन अच्छी देखिपार न कहीं ना आलोक रश्मि ये पड़ कि भितर को गली पारू ना ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नुहे बुझीला जदि आम या भितर को लेंबू पकेबा तो क्या ये लेंबू देखा जो स्टील ग्लास भितर थी लेंबू क्या देखा देखा बुझीला ना तेणु ये प्रतिफलन होलोक रश्मि आलोक रश्मि पड़ुची या उपरे पड़ी कौन होना मो आखि को जाऊँ कि कैमेरा को जाऊँ बुझीला जहाँफल कि तुम्हें केवल यू स्टील ग्लास अच्छी स्टील ग्लास को ही देखिपारच ता भितरे कौन अच्छी तुम्हें देखिपार न बुझीला ना ठीक अच्छे तुम्हें प्रतिफलन आ प्रतिसरण बुझी ठीक अच्छे आम आग को जी वर्तमान नि दुटा जिनस तुम्हें रखिनि मु लिभ देवी एवं वर्तमान आम प्रतिबिंब विषय पढ़ा प्रतिबिंब कौन है छाय आ प्रतिबिंब दुटा अलग जिनस देख प्रतिबिंब इंग्लीश रे कहले इमेज छाई को इंग्लीश रे शैडो बोली कहा जाए प्रतिबिंब बा इमेज क्या कहा प्रतिबिंब क्या कहा ना देखो दुईटी आलोक रश्मि दुई बा ततोधिक आलोक रश्मि जो स्थान में परस्पर सहित मिलित हूँ से स्थान में गोटे वस्तुर प्रतिबिंब बा इमेज तैयारी हुए बुझेला इट इज ए पॉइंट व्हेयर लाइट रेज इंटरसेक्ट इच अदर जो बिंदु रे आलोक रश्मि गुड़िक परस्पर सहित मिलित हूँ परस्पर को छेद करती आलोक रश्मि गुड़िक परस्पर सहित मिलित हूँ
सही बिंदु रे वस्तुर प्रतिबिंब तैयारी हुए बुझीला सही ठारे गोटे वस्तुर प्रतिबिंब गठित हुए किपर भाव प्रतिबिंब गठित हुए ताकू आम आग को देखा जमारू टेंशन नियो नहीं। प्रतिबिंब पुणी दुई प्रकार अच्छी कौन कौन वास्तव प्रतिबिंब एवं अवास्तव प्रतिबिंब एठी लेख वास्तव प्रतिबिंब एठी लेख अवास्तव प्रतिबिंब एहाकु आमे आभासी प्रतिबिंब बोली मध्य कही परिबा आभासी प्रतिबिंब देखो वास्तव प्रतिबिंब कहा को कहा जीवो ना जेउ बिंदु रे दुईटी किंबा ततोधिक आलोक रश्मि वास्तव रे मिलित हुवंती सही बिंदु रे वास्तव प्रतिबिंब गठित हुए बुझियला जेउ बिंदु रे आलोक रश्मि गुड़िक वास्तव रे मिलित हुवंती आलोक रश्मि गुड़िक वास्तव रे मिलित हुवंती से जगह वास्तव प्रतिबिंब तैयारी हुए बुझीला किंतु अवास्तव प्रतिबिंब केते बेले तैयारी हुए जेते बेले दुई बा ततोधिक आलोक रश्मि गोटे बिंदु रे मिलित हेबा भलिया प्रतियमान हुए लागे जे मिलित होइचंती किंतु वास्तव रे मिलित होइ नथांती सेतेबेले सही जगह अवास्तव प्रतिबिंब बा आभासी प्रतिबिंब तैयारी हुए बुझीला ना जेऊ बिंदु रे आलोक रश्मि गुड़िक मिलित हेबा परी प्रतियमान हुवंती मिलित हेबा परी प्रतियमान हुवंती सही बिंदु रे अवास्तव प्रतिबिंब तैयारी हुए बा आभासी प्रतिबिंब तैयारी हुए बुझीला देखो वास्तव प्रतिबिंब को आमे परदारे धरी परिबा किंतु अवास्तव प्रतिबिंब को आमे परदारे धरी परिबा नाही बुझीला तो एही प्रतिबिंब को आमे परदारे धरी परिबा किंतु अवास्तव प्रतिबिंब को आमे परदारे धरी पारिबा नाही वास्तव प्रतिबिंब गुड़िक सब बेले उल्टा है थाए वास्तव प्रतिबिंब गुड़िक उल्टा है थाए किंतु अवास्तव प्रतिबिंब गुड़िक सीधा बा सड़ख है थाए बुझीला एतिके हुचंती तमरो वास्तव एवं अवास्तव प्रतिबिंब मध्य रे पार्थक्य बुझीला वास्तव प्रतिबिंब रे कौन हुए ना दुई बा ततोधिक आलोक रश्मि गोटे बिंदु रे वास्तव रे मिलित होइथांती किंतु अवास्तव प्रतिबिंब रे कौन हुए ना दुई बा ततोधिक आलोक रश्मि गोटे बिंदु रे मिलित हेबा परी प्रतियमान हुवंती बुझीला वास्तव रे मिलित होइ नथांती किंतु लागे जे गोटे बिंदु रे मिलित होइछंती ताहाकु आमे कहिबा अवास्तव प्रतिबिंब तयारी हिची किंतु देखो वास्तव प्रतिबिंब को आमे पर्दा रे धरि परिबा अवास्तव प्रतिबिंब को आमे पर्दा रे धरी परिबा नाही पर्दा रे धरी परिबा कहिबार अर्थ कौन तमे सिनेमा देखिथिबो सिनेमा रे कौन हुए ना गोटे स्क्रीन थाए एठी बुझीला आउ सेठी गोटे प्रोजेक्टर चल थाए प्रोजेक्टर रु कौन हुए ना आलोक रश्मि आसिके स्क्रीन ने पड़े आउ स्क्रीन रे कैरेक्टर गुड़ार प्रतिबिंब सब देखा जाए बुझीला सेगुड़िक होती वास्तव प्रतिबिंब से आम पर्दार धरी पारा प्रोजेक्टर तुम्हें देखिथ तुम स्कूल ले भी प्रोजेक्टर रे तुमको बुझाऊ पाठ बुझीला ना तो सेठे तुम्हें देखो जो प्रतिबिंब गुड़ी को आम पर्दारे धरी पार्छ से गुड़िकोचंती वास्तव प्रतिबिंब किंतु अवास्तव प्रतिबिंब कौन है ना यही प्रतिबिंब गुड़ी को आम पर्दारे धरी पारा ना वास्तव प्रतिबिंब गुड़िक साधारणतः उल्टा होता किंतु अवास्तव व आभासी प्रतिबिंब गुड़िक सड़ख होता सीधा होड़ा होता बुझीला ना फरक तुम्हें देखिपारल कह कि असुविधा ना लेखनीय वास्तव प्रतिबिंब एवं अवास्तव प्रतिबिंब मध्य कौन फरक अच्छे मुझे लिभेदेवी प्रतिबिंब समस्ते बुझिपार
चलो वर्तमान एबे जानिबा आमे वस्तु कौन। तुम कह वस्तु तो आम जानू एमती नुहे आम वस्तु विषय जानू जो टॉपिक अच्छे आलोक प्रतिफलन आ प्रतिसरण आम देखा वस्तु क्या कहा जाए ये वस्तुर डेफिनेशन टिके अलग आसब बुझीगला लिभे दूची प्रतिबिंब विषय आम भल भाव बुझीपु वर्तमान जानवा वस्तु विषय लेख वस्तु इंग्लीश रे कहिबा ऑब्जेक्ट वस्तु क्या कह ना देखो जदि कौन जिनसर आलोक रश्मि बाहर ताकू आम कह वस्तु बुझीगला लेख जेऊ जिनिसरु आलोक रश्मि बाहरी थाए आलोक रश्मि बाहरी थाए ताहाकु आमे वस्तु बोली कहिबा बुझीगला एही पर्टिकुलर टॉपिक पई वस्तुर संज्ञा होउछि एया आलोक प्रतिफलन आ प्रतिसरण एही विषय पई वस्तु आमे काहाकु कहिबा ना जेऊ जिनिसरु आलोक रश्मि बाहरी थाए ताहाकु आमे कौन कह वस्तु बोली कहिबा बा ऑब्जेक्ट बोली कहिबा बुझीगला ना वस्तु पुणी दुई प्रकार अच्छी जमती प्रतिबिंब दुई प्रकार अच्छी से भाया वस्तु दुई प्रकार अच्छी लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट माने कौन लुमिनस ऑब्जेक्ट माने हेउची जेउ जिनसर निजर आलोक अच्छी ताहाकु आमे कहिबा लुमिनस ऑब्जेक्ट बा लुमिनस वस्तु बुझीगला लुमिनस रो एक्जाक्टली ओडिया मीनिंग कौन आसीबो मु सेटा जानि परुनी रिकॉल करि परुनी तमे लुमिनस ही बुझी थाओ लुमिनस ऑब्जेक्ट काहाकु कहिबा ना जेउ वस्तुर निजर आलोक अच्छी ताहाकु आमे कहिबा लुमिनस ऑब्जेक्ट जेऊ वस्तुर निजर आलोक थाए ताहाकु आमे कहिबा लुमिनस ऑब्जेक्ट जेमती कि आमे एठी एग्जांपल नहीं परिबा सूर्य जळुथिबा मोहम्बती देखो मोहम्बतीर अधिकांश अंश तो नॉन लुमिनस हबो किंतु जे जगह तुम शिखा बाहर फ्लेम टा बाहर सी हूँ तुम लुमिनस ऑब्जेक्ट से भाया देख जलुवा बारलाइट जलुवा विद्युत बल्ब बुझीगला से भाया तारका बा तारा ये समस्ते होती लुमिनस ऑब्जेक्ट किंतु नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन जे मानक आलोक रश्मि आसी थाए किंतु से माने होती रिफ्लेक्टेड लाइट बोरोड लाइट निजर आलोक नुहे बुझीगला जो वस्तुर निजर आलोक न थाए किंतु प्रतिफलित आलोक रश्मि आसिक आम आखिरे बाजे ताकू आम कह नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट देखो गोटे वस्तु धरा जाए ये गोटे बल अच्छी ये बल को आम कमी देखिपर ये धर जाऊ तुम आखि ये अच्छी चक्षु आलोक रश्मि आसिकी बल्रे बाजिबो आ प्रतिफलित होकर तुम आखिरे बाजिब जहाँफल कि बल्र चित्रटा तुम आखिरे तैयारी हम किपर भाव में या हुए आम पढ़ा चक्षु विषय बुझीगला यही भाव में आम बल्ब को देखिपर ये बल्ब को आम देखिपर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट माने कौन ना ये बल्ब भाया जिनस ये बल्ब तो निजर आलोक ना कि आलोक रश्मि बाहर ना ता देहर बाहर ना बाहर प्रतिफलित आलोक रश्मि बाहर तो ताकू आम कह नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जेऊ वस्तुर निजर आलोक न थाए एही वस्तु गुड़िकरु प्रतिफलित आलोक रश्मि निर्गत होता है प्रतिफलित आलोक रश्मि निर्गत हुए तो यह भाया वस्तु को आम कौन कह नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोली कह बुझीगला
एग्जांपल तुम्हें नहीं पार आम मैंने नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बुझेगा आमर कौन निजर आलोक अच्छी आम कौन जलुचु कि जलुचु कि जलुनि आम 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 उपरे जो आलोक रश्मि पड़ुची जमीक तुम मैंने मत के देखुच मो देहर कौन लाइट बाहर ना मो ऊपर आलोक रश्मि पड़ुची तापर से प्रतिफलित आलोक रश्मि जाऊँगी तुम आखि को सेटा को तुम देखिपार जो मैंने भिडियो देखुच मो ऊपर आलोक पड़ुची से प्रतिफलित आलोक रश्मि जाऊँगी कैमेरा को कैमेरा ताको कैप्चर करके रखुची बुझीगला नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट समस्ते बुझीपारल कहार किसी डाउट ना देख आम मैंने सब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आमर निजर आलोक ना किंतु किसी लोक अच्छा जे मैंने निजर आलोक प्रदर्शन करती दुनिया को तांकर काम चमके तांकर व्यक्तित्व बा पर्सनालिटी चमके बुझीगला ना जानु तुम्हें चमकुच चमकुच से बाला चमकवा नुहे से जानु तो जी चमकुची सी तो मेकअप करके आ मेकअप उठे दि देख सी केमती देखा चमगादार भाया देखा से जो लोकटी चमकुची तार व्यक्तित्व चमके तार काम चमके बुझीगला किंतु वास्तव में आम जब देखा आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण ऑप्टिक्स जो आम विषय पढ़ुचे आलोक विषय स्टडी करने को कौन कहुए ऑप्टिक्स बोली कहुए ना तो ये कथा तुम्हें लिखि नियो आलोक विषय अध्ययन करने को ऑप्टिक्स बोली कहुए आलोकर अध्ययन यहाँ ऑप्टिक्स नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मानक एग्जांपल आम ये नहीं जा एग्जांपल कौन कौन एग्जांपल आम नहीं पार ना मनीष पशु पक्षी चेयर टेबल उद्भिद जितक भी जिनस तुम्हें देखु प्रायत तो सब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहार किसी डाउट रहा कि चलो आगे जीवा वर्तमान वर्तमान आम देखा जो दर्पण बा मिरर कौन ही थाए आ मिरर रे केमिती इमेज तैयारी हुए बा गोटे वस्तुर प्रतिबिंब केमिती तैयारी हुए लिभे दौची वस्तु विषय रे समस्ते बुझी पार्च चलो वर्तमान हेडिंग लगाओ दर्पण दर्पण बा मिरर देख मिरर कहिले तुम्हें साधारण तो बुझ तुम घरे जो मिरर अच्छी जेटी तुम्हें निज मुह देखिपार्च किंतु साइंस रे आम केवल से जिनस को मिरर कहिबा नाही साइंस अनुजाई मिरर होची प्रत्येक से ही जिनस जेथरे कि प्रतिबिंब तैयारी हुए बुझीगला ना जदि कौन ऑब्जेक्ट रे प्रतिबिंब तैयारी होउची वस्तु रे प्रतिबिंब तैयारी होउची आम कौन कहिबा मिरर बोली कहिबा बा दर्पण बोली कहिबा बुझीगला जदि कौनसी प्रतिफलन पृष्ठरे प्रतिबिंब सृष्टि हुए प्रतिबिंब सृष्टि हुए तेबे ताहाकु दर्पण बोली कहा जाए जमती कि तुम्हें देखी जदि तुम घरे गोटे चमकुवा बर्तन अच्छी बर्तन मान बुझी पार्च तो थाली बुझीगला जदि तुम घरे गोटे पूरा नुआ किणाई थाली अच्छी से थाली रे तुम्हें निजर मुह को देखिपार तो से थाटा दर्पण भाया कम करुच्ची तो से थाली हूँ दर्पण कहीं से प्रतिबिंब तैयारी होमर ताक आम दर्पण बोली कह बुझीगला ना तो आज आम जो दर्पण विषय कथा सी हूँ समतल दर्पण क्या विषय आम कथा समतल दर्पण विषय समतल दर्पण इंग्लिश रे कौन कह प्लेन मिरर तो समतल दर्पण बा प्लेन मिरर रे किपरि भावे प्रतिबिंब गठित हुए ता विषय जानिबा पूर्वरु आम एठारे प्रतिफलनर दुईटी नियम जाणिनबा तो हेडिंग लगाओ प्रतिफलनर नियम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रतिफलनर नियम इंग्लिश रे कहिबा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख एठी होची हमर गोटे प्रतिफलन पृष्ठ अच्छी तार गोटे पार्श्व को आम चिकण कर देचु बा पॉलिश कर देचु एपाखरे अच्छी पॉलिश्ड सरफेस
आर पाखे अच्छी प्रतिफलन पृष्ठ। जदि कौन भी आलोक रश्मि आसिक प्रतिफलन पृष्ठ उपर पड़ू तो सी केमी जीव एम पल बुझीगला। जदि आम यही प्रतिफलन पृष्ठपति गोटे अभिलम्ब अंकन करवा एमती अभिलम्ब न थाए तुम कौन बाड़ी पड़ी कि न थाए आम इमाजिनरी गोटे अभिलम्ब बा नॉर्मल अंकन करवा ये हूँ नॉर्मल एन बुझीगला। ये जो रश्मिटे आसूची यहाँ आम कह आपतन रश्मि आपतित रश्मि बोली कहवा है इनसीडेट रे आपतित रश्मि आपतित रश्मि आउ ये रश्मिटी जाए प्रतिफलित रश्मि प्रतिफलित रश्मि रिफ्लेक्टेड रे ये इंसिडेंट रे आउ ये रिफ्लेक्टेड रे। देख आपतित रश्मि अभिलम्ब सहित जो कोण अंकन करे से कोण को आम कह आपतन कोण ताक आम आई अक्षर द्वारा सूचित करवा से भाया प्रतिफलित रश्मि अभिलम्ब सहित जो कोण अंकन करे ताक आम कह प्रतिफलन कोण ताक आम आर अक्षर द्वारा सूचित करवा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बुझीगला। देख प्रतिफलन प्रथम नियम अनुजाई आई इज इक्वल टू आर अर्थात आपतन कोणर परिमाण प्रतिफलन कोणर परिमाण सहित समान हुए बुझीगला। आपतन कोण क्या कह ना आपतित रश्मि अभिलम्ब सहित जो कोण अंकन करे ताक आम कह आपतन कोण से भाया प्रतिफलित रश्मि अभिलम्ब सहित जो कोण अंकन करे ताक आम कह प्रतिफलन कोण। प्रतिफलन प्रथम नियम अनुजाई आई इज इक्वाल टू आर आई इज इक्वाल टू आर अर्थात आपतन कोणर परिमाण प्रतिफलन कोणर परिमाण सहित सामान हुए बुझीगला। ये लेख आपतन कोणर परिमाण प्रतिफलन कोणर परिमाण सहित सामान आपतन कोणर परिमाण प्रतिफलन कोणर परिमाण सहित सामान ये गला आम प्रतिफलन प्रथम नियम। तापर आम देखा द्वितीय नियम प्रतिफलन द्वितीय नियम अनुजाई आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि एवं प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित अभिलम्ब एक समतल अवस्थान करती एक समतल अवस्थान करती आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि एवं प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित अभिलम्ब एक समतल अवस्थान करती एक समतल माने ए प्लेन ए प्लेन रे से अवस्थान करेंगे। तुम्हें कह एटी जदि आपतित रश्मि जीव आई एंगल अंकन करुच्ची प्रतिफलित रश्मिटी कौन सी भी एंगेल देकी पलैब एपटे आर एंगेल तैयारी कर कि कौन सी दिग को पलैब सेमती हेनी गोटे समतल रुझीगला ना धर जाऊ ये हूँ आम गोटे प्लेन है आपतन रश्मि पड़ा ये अभिलम्ब अच्छी तुम इमाजिन कर ये अभिलम्ब अच्छी आपतन रश्मि ये पड़ा एवं प्रतिफलन रश्मि एपटे पलैब एमती हेनी प्रतिफलन रश्मि एपटे पलैब कि एपटे पलैब आर एंगेल यानी दिग को जापर से प्लेन भितर ही जी तुम्हें देख ये हूँ प्लेन यही प्लेन ही तुम आपतन रश्मि पड़ो अभिलम्ब भी ये अच्छी आठ तुम प्रतिफलित रश्मि भी से ही दिगरे ही जी बुझीगला ये प्लेन ही जी प्लेन रू पारे एपटे पलैबनी कि एपट को पलैसन बुझीगला ना आपतन कोणर परिमाण प्रतिफलन कोणर परिमाण सहित सामान हम एवं आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि एवं प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित अभिलम्ब एम सब गोटे समतल ही अवस्थान करेंगे समतल बुझिपार तो कार्टेशियन समतल बोली भावनीय तुम्हें बुझीगला तो गोटे समतल ही तीन टा जिनस अवस्थान करेंगे। लेख आपतित रश्मि कमा प्रतिफलित रश्मि एवं प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित अभिलम्ब अंकित अभिलम्ब एक समतल रे अवस्थान करती इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एंड
द नॉर्मल ड्रोन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाइ इन ए सेम प्लेन ऑल लाइ इन ए सेम प्लेन आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि आ प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित अभिलंब एक समतल अवस्थान करती ये हूँ प्रतिफलन द्वितीय नियम तो प्रथम नियम समस्ते बुझिपार एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एवं द्वितीय नियम समस्ते बुझिपार दुईट नियम हो प्रतिफलन नियम समस्ते भल भाव मन रख बुझीला चलो बर्तमान आम देखा प्लेन मिरर रे समतल दर्पण से किपर भाव में प्रतिबिंब गठन हुए से आम को यही प्रथम नियम आवश्यकता अच्छी बुझीला द्वितीय नियम भी लगे ये कि प्रथम नियमटा को भल भाव मन रखी थी आई इज इक्वाल टू आर आई इज इक्वाल टू आर बुझीला मु लिखे दूची देख एठी अच्छी आमर समतल दर्पण ये हूँ आमर समतल दर्पण यार गोटे पार्श्व को आम कौन करवा ना पोलीस करदे ये चिकण करदे यही पाखे कौन कला माने ये जो बाम पाखर अंश ये हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने प्रतिफलन पृष्ठ बुझीला प्रतिफलन पृष्ठ जे दिगर आलोक रश्मि आसीबो जेठारे आलोकर प्रतिफलन घटव बुझीला देख ये समतल दर्पण अच्छी यार जो मध्यबिंदु अच्छी ना ताको आम कह पोल कौन कह पोल यही मध्यबिंदु देकि जदि आम गोटे सरलरेखा अंकन करवा एमती तो यही सरलरेखा को आम कह प्रमुख अक्ष बा प्रिंसिपल एक्सिस प्रमुख अक्ष बा प्रिंसिपल एक्सिस बुझीला ये जो पी जगटा अच्छी यहाँ आम कह पोल धर जाऊ समतल दर्पण सामने कौन से गोटे जगह गोटे वस्तु रखाई तेज यही वस्तुर प्रतिबिंब किपर भाव समतल दर्पण से तैयारी हम आम देखने देख जदि एमती गोटे आलोक रश्मि सीधा पूरा सीधा ये ऑब्जेक्ट अच्छी ऑब्जेक्ट रु गोटे आलोक रश्मि प्रमुख अक्ष सहित समांतर होती समतल दर्पण से स्ट्राइक करुच्ची भिटुची ये जा बुझीला तो ये आलोक रश्मि कौन कर जे दिगरे जाइला से दिगरे ही फेरी आसीबो से पटे ही फेरी आसीबो बुझीला तापर देख जदि आम यही वस्तुर गोटे आलोक रश्मि नहीं कि पकेबा पोल उपरे तो ये आम इंसिडेंट एंगल तैयारी हबो आपतन कोण आई तैयारी हबो बुझीला तापर यही जो रश्मिटी जापाखु से रिफ्लेक्टेड हो रिफ्लेक्टेड कहार अर्थ प्रतिफलित हो बुझीला कौ एंगेल प्रतिफलित हबो ना आर एंगेल आम जानू आई इज इक्वाल टू आर आई इज इक्वाल टू आर लगला बुझीला ना केमी प्रतिफलित हो देखिपार तो आई इज इक्वाल टू आर दुईटा कोणर परिमाण सामान हम प्रथम नियम लगला एटी एवं देखा किपर भाव में प्रतिबिंबटी तैयारी हम प्रतिबिंब तो या हेनी प्रतिबिंब कई तैयारी हुए जेईटी दुई बा तत्वधिक आलोक रश्मि परस्पर सहित मिलित हमें छेद करती ये कई छेद कर जदि आम युटा आलोक रश्मि को एमती बढ़ेबा ये केवि छेद कर ये तो सीधा फेर जीव आउ ये तो भितर दूरता तो आहरी बढ़ीज कईट भी एम छेद करेंगे ना तो प्रतिबिंब केमी तैयारी हम ना एठारे आभासी प्रतिबिंब तैयारी हम रियल इमेज तो यापर ना यही दुईटा आलोक रश्मि के परस्पर को छेद करेंगे ना तो किपर भाव में प्रतिबिंब याब जदि ये गोटे आखि अच्छी लाइट धरा जो गोटे आखि अच्छी ये आखि अच्छी ये देख ये आलोक रश्मिटा एपट कौट गोटे आसूँ येपट कौट गोटे आसूची बुझीला पछपटू ताकू जना पड़ प्रत्ययमान हम जे आलोक रश्मि यही सीधार कौटू गोटे आसूची सी तो जापर ना ये हूँ रिफ्लेक्टेड लाइट बोली जना पड़ जे आलोक रश्मि यही दिगर आसूची कौटि गोटे बुझीला पुणी एठी जदि गोटे आखि रु कौन जना पड़ ना यही जो फेरुवा आलोक रश्मिटी भितर आसूची दर्पण भितर बुझीला तो देख यो दुईटा आलोक रश्मि जेईटी परस्पर को टच करूँ जेटी परस्पर को छेद करुंसई जगार ही गोटे इमेज तैयारी हम इमेज माने कौन गोटे प्रतिबिंब तैयारी हम बुझीला तुम्हें देखिपार केमती प्रतिबिंब तैयारी तुम्हें कहले देखा ये प्रतिबिंब ये सीधा ढाई ना ओल्टा ढाई सीधा ही अच्छी वस्तु जे दिगरे ढाई प्रतिबिंब भी से दिगरे ढाई कहले देखा ये गोटे आभासी प्रतिबिंब ना बास्तव प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहीं आलोक रश्मि बास्तव में जाकि छेद करूना दर्पण भितर को पशिबे ना कौन पशिपारे ना रिफ्लेक्शन में भितर को पशिपारे ना तो आमको जना पड़ी प्रत्ययमान होने हुए तो यही जगार आलोक रश्मि आसूची तो प्रतिबिंब आमको यही देखा दर्पण भितरे देखा बुझीला देख वस्तुर उच्चता जीक रही प्रतिबिंबर उच्चता ठीक से रस्तुटी दर्पण ठार् जी दूर अच्छी दर्पण पक्षपटे
प्रतिबिंब भी ठीक से दूर तैयारी हम बुझीगला प्रतिबिंबर प्रकृति कौन हम ना सड़ख एवं आभासी बुझीगला सीधा सीधा आउ आभासी अवास्तव प्रतिबिंब ये तैयारी आठ गोटे जिनस हम प्रतिबिंबर पार्श्व परिवर्तन हो लैटरली इनवर्टेड माने पार्श्व परिवर्तन हो उल्टा देखा माने बाम हाथटा डाण हाथ भाया देखा डाण हाथटा बाम हाथ भाया देखा जदि तुम्हें तुम समतल दर्पण सामने गोटे ड्रेस पिंधिकी जी जो थे कि लिखाही थी इंग्लीश अक्षर से तुम्हें पढ़व समतल दर्पण भितर से उल्टा देखा तुमको बुझीला ना देख समतल दर्पण से गठित होता प्रतिबिंबर प्रकृति विषय में तुमको कहीदे यहीपर भाव समतल दर्पण से प्रतिबिंब आमर तैयारी होउची प्रकृति गुड़िक लेखिन प्रतिबिंबर प्रकृति प्रतिबिंबटी तुम सड़ख आउ आभासी हेबो सड़ख माने सीधा आउ आभासी वस्तुर उच्चता सहित प्रतिबिंबर उच्चता समान हेबो लेख प्रतिबिंबर उच्चता समान वस्तुर उच्चता तृतीय प्रकृति होउची पोल ठारू बा दर्पण ठारू वस्तुर दूरता जी हम ये दर्पण ठारू प्रतिबिंबर दूरता से हम बुझीगला ना धर जे ये होउची भि आउ ये होउची यू ताहले यू इज इक्वल टू भि माने वस्तुर दूरता समान प्रतिबिंबर दूरता वस्तु दूरता समान प्रतिबिंब दूरता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बुझीगला दर्पण ठारू वस्तुर दूरता जी दर्पण पक्षपटे से दूर ही प्रतिबिंबटी या देखा चतुर्थ प्रकृति लैटरली इनवर्टेड हम प्रतिबिंबटी माने ये प्रतिबिंबटी आमर तैयारी हम यार पार्श्व परिवर्तन हम पार्श्व ओलटा हो प्रतिबिंबर पार्शो ओल्टा है जीवो माने देख धरा जाऊ एपाखे लिखाई ए बी सी डी आउ ये गोटे दर्पण अच्छी तो दर्पण पक्षपटे आमर केमी इमेज तैयारी हम कह एटा आमर होमती बीटा आमर केमती हम एमती ओल्टा सीटा आमर केमती हम एपटे अच्छे सी एमती सी सी आमर केमती हम कहीपर ओल्टा हो माने एमती ही जीवो हला आउ डीटा केमती ही जीवो एमती ही जीवो डी बुझीला ओल्टा ही जीवो तांकर पार्श्व परिवर्तन ही जीवो प्रतिबिंबर पार्श्व ओलटा ही जीवो प्रतिबिंब ओल्टा हबनी प्रतिबिंबर पार्श्व ओल्टा ही जीवो आउ ए जिंस को कोठी यूज करा जाए तुम्हें जानिचो एम्बुलेंस रे तुम्हें देखि थिबो एम्बुलेंस रो आग पाखरे ओल्टा अक्षर लिखाई थिबो एम्बुलेंस एमती अक्षर लिखाई थिबो एम्बुलेंस जहाँफल कि मिरर रे सेटा सीधा देखा हे बुझीला जदि गोटे गाड़ी आगे जाऊँगी ता मिरर रे देखा एम्बुलेंस सीधा सीधा अक्षर रे किंतु एम्बुलेंस आगे उल्टा अक्षर रे एम्बुलेंस लिखाई था एमती अक्षर रे पार्श्व परिवर्तित हो पार्श्व उल्टा रखिकी एम्बुलेंस लिखाई था जहाँफल कि आगे जा गाड़ी देखिपर जे गोटे एम्बुलेंस आसूची ता मिरर रे सीधा देखा हे अक्षर गुड़ा आ पढ़ी जापर एम्बुलेंस आसूची से रास्ता छाड़देव बुझीला ना चलो ठीक अच्छे आम जानलु समतल दर्पण विषय समतल दर्पण से या प्रतिबिंबर प्रकृति विषय बुझीला परवर्ती क्लास रे आम बर्तुल दर्पण विषय आलोचना करवा बर्तुल दर्पण दुई प्रकार थाए उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण बर्तुल दर्पण से किपर भाव में प्रतिबिंब या विषय आलोचना करवा देख आज क्लास को आम ये रखा धन्यवाद।